नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिहार की नीतीश सरकार ने सूबे में भले ही शराबबंदी कर रखी हो, लेकिन ये शायद वो भी नहीं जानते होंगे कि शराब के शौकीनों के लिए किसी न किसी जुगाड़ से शराब सूबे तक पहुंच ही जा रही। ऐसे ही एक जुगाड़ का पर्दाफाश योगी सरकार की तेज तर्रार पुलिस ने यूपी के नोएडा में किया, जहाँ शराब की बोतलों से लदी ट्रक से करीब 15 लाख की शराब बरामद की गई। दरअसल नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले लुहारली टोल प्लाजा पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी, क्योंकि पुलिस को पहले ही इनपुट मिल गया था कि शराब से लदी ट्रक आने वाली। तभी कुछ देर बाद एक संदिग्ध ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिसकर्मियों ने तुरंत रुकवाया और पूरे ट्रक की छानबीन की। ट्रक में वैसे तो गद्दे में भरी जाने वाली रुई के बोरे थे, लेकिन उन बोरों में भी छुपाई गई थी करीब 15 लाख की 191 पेटी शराब, जिसे हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। ये थाना दादरी अंतर्गत कोट चौकी प्रभारी के द्वारा टोल के आगे एक संदिग्ध ट्रक को देखा गया। जब उसे रोका गया, उसमें सामने की तरफ गड्ढे में भरने वाली रुई भरी थी और गड्ढे की रुई के आड़ में उसमें 191 पेटी हरियाणा मार्का शराब थी। ये पूरे ट्रक के साथ बरामद हुई है। इस शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है और ट्रक की कीमत लगभग 12 लाख। इस प्रकार कुल 27 लाख की रिकवरी हुई है। इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनका जो मुख्य जो मालिक है, जिनके माध्यम से इन लोगों ने उसने यह शराब भेजी थी, उसके विषय में पता किया जा रहा है। पूर्व में भी इन लोगों ने कहां कहां पे शराब की तस्करी की है, कहां कहां पे शराब किन किन जगहों पे दिया है, इसके विषय में भी गहन पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई चौकी इंचार्ज विकास बालियान के नेतृत्व में की गई। पुलिस के मुताबिक शराब की सप्लाई ड्राई स्टेट बिहार की राजधानी पटना में की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 15 लाख की शराब और करीब 12 लाख की ट्रक समेत पुलिस ने कुल 27 लाख की रिकवरी की। इस मामले में पुलिस ने दो तस्करों दीपक और सागर को भी गिरफ्तार किया। दोनों हरियाणा के पानीपत के रहने वाले। इन दोनों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई, जिससे तस्करों के गिरोह तक पहुंच सके।